ये अफसाना वर्षा कस्बे का है, जहां पिछले 5 सालों से बारिश नहीं हुई। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। वर्षा कस्बा के दरिया, तालाब और कुएं सूख गए हैं, लेकिन कस्बे के बीचों बीच एक कुआं ऐसा है जो पानी से लबालब भरा है। लेकिन इस कुएं से कोई पानी नहीं भर सकता, क्योंकि ये कुआं भूत और चुड़ैल के कब्जे में है। कस्बे वाले हिम्मत करके उस कुएं पर जाकर भूतों से गुजारिश करते हैं। ऐ कुएं के भूत, ऐ चुड़ैल, हम तुम दोनों से बात करने आए हैं, आप हमारे सामने हाजिर हो जाओ। चुड़ैल और भूत कुएं से निकलकर उनके सामने हाजिर होते हैं। कस्बे वाले चुड़ैल और भूत को देखकर खौफजदा होते हैं, लेकिन अपना खौफ छुपाकर उनसे बात करते हैं। पूरा कस्बा पानी के लिए दर दर भटक रहा है, जानवर परिंदे प्यास से मर चुके हैं, अब इंसानों की बारी है। तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? कस्बे में 5 साल से बारिश नहीं हुई, इसका मतलब तुम लोग गुनहगार हो। कस्बे वालों पर तरस खाकर हमें इस कुएं से पानी भरने दो। पानी के लिए हमने कब मना किया है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कस्बे के किसी शख्स को कुएं में डालना होगा, हम उस शख्स का मांस खाकर खून पीकर तुम्हें पानी भरने देंगे। मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। कस्बे वाले भूत की शर्त सुनकर मायूस होकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। भूत और चुड़ैल कुएं पर पहरा देने लगते हैं। कस्बे वाले तांत्रिक बाबा से मिलते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। तांत्रिक अपने अम्ल का सामान लेकर भूतिया कुएं पर आते हैं। कुएं के पत्थर पर भूतों ने पानी की रेट लिस्ट लिख दी है। 10,000 लीटर पानी के बदले 1 बकरे की कुर्बानी देनी होगी, 1,00,000 लीटर पानी के लिए 1 बैल और 10,00,000 लीटर पानी के लिए 1 आदमी की कुर्बानी देनी होगी। तांत्रिक बाबा वहां की मिट्टी उठाकर दुआ पढ़कर कुएं में डालते हैं। भूत और चुड़ैल फिर कुएं से हंसते हुए बाहर निकलते हैं। अच्छा तो कस्बे वाले तुम्हें भी यहाँ ले आए तांत्रिक। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तांत्रिक, ये हम भूतों का कुआं है, इस पर तुम्हारा तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। मैं अभी तुम्हें समझाने आया हूँ कि ये कुआं कस्बे वालों के हवाले कर दो, पानी पिलाना नेकी का काम होता है। ये नेकी उस वक्त कहाँ गई थी जब मेरी वालिदा प्यास से तड़प रही थी? लेकिन मेरी वालिदा को किसी ने पानी नहीं दिया, ये तब की बात है जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे। कस्बे के दबंगों ने अछूत समझकर मेरी वालिदा को कुएं का पानी पीने नहीं दिया। मेरी अम्मा ने जब जबरदस्ती पानी पीना चाहा तो लोगों ने उसे कुएं में ढकेल दिया। अम्मा के साथ हम दोनों भाई बहन भी कुएं में डूबकर मर गए। तब से रूह बनकर हम इसी कुएं में रहने लगे, अब ये कुआं हमारा है। जाओ तांत्रिक, इन बेरहम कस्बे वालों के लिए हमसे दुश्मनी ना लो। तांत्रिक भूत और चुड़ैल से झगड़ा किए बगैर वहां से चला जाता है। कस्बे वालों में मायूसी छा जाती है। तांत्रिक बाबा ने कुएं को भूत और चुड़ैल से आजाद नहीं कराया, इस बात से कस्बे वाले परेशान होते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो तो खाली हाथ ही वापस लौट आए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें पानी पीना है तो हमें उस कुएं की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ भाई जान, 10,000 लीटर पानी के लिए 1 बकरा तो दे ही सकते हैं। कस्बे वाले भूत और चुड़ैल के आगे शिकस्त मान लेते हैं और पानी के बदले बकरा और बैलों की कुर्बानी देने लगते हैं। भूत चुड़ैल भी कुर्बानी पाकर खुश होते हैं। अब कस्बे की यही रोजमर्रा हो जाती है। तांत्रिक बाबा एक रोज कस्बे वालों को अपने पास बुलाते हैं और भूतिया कुएं को भूतों से खाली कराने की तरकीब बताते हैं।
मैंने भूतिया कुएं को भूतों से नजात दिलाने का मंसूबा बना लिया है। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। बाबा, हम सब आपके साथ हैं। हम तो ये समझे थे कि आपने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। तुम लोगों ने उस औरत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर उस रोज उसे पानी दे दिया होता तो उसके बच्चे चुड़ैल और भूत नहीं बनते। बाबा, वो हमारे बाप दादाओं की गलती थी। जब कोई भूत हमें परेशान करता है तो हम उससे नजात पाने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये भूत जब इंसान था तब हमने इसके साथ क्या क्या जुल्म और सितम किए थे। बाबा, हम गांव वाले कुएं के भूत और चुड़ैल से कई बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन हमें माफी नहीं मिली। ठीक है, अब माफी मांगने का वक्त नहीं है। हमारा मंसूबा गौर से सुनो। उस कुएं को चुड़ैल और भूत से आजाद कराना है तो मुझे कुएं के अंदर बैठकर जल समाधि लगानी होगी। बाबा, इससे क्या होगा? इन भूतों को बाहर निकालने के लिए मुझे कुएं के अंदर जाना होगा। तांत्रिक बाबा अपने मंसूबे के मुताबिक कुएं की तह तक पहुंचने के लिए कस्बे वालों की मदद से एक सुरंग बनाते हैं जो सड़क के उस पार से सीधा कुएं के अंदर पहुंचती है। तांत्रिक बाबा उस सुरंग से होते हुए कुएं की तह में पहुंचकर समाधि लगाते हैं। अपने तंत्र मंत्र की ताकत से चुड़ैल और भूत की ताकत को कमजोर कर देते हैं। चुड़ैल और भूत बेबस होकर कुएं से बाहर निकलते हैं। तांत्रिक बाबा भी कुएं से बाहर निकलते हैं। तांत्रिक, तुमने मुझे बेइख्तियार कर दिया है। तुमने चालाकी से कुएं के नीचे पहुंचकर हमें बाहर निकलने पर मजबूर किया है। तुमने भी तो कस्बे वालों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। हम ये कुआं छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब इस कुएं से गांव वाले पानी ले सकते हैं। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं जलाकर राख करेंगे। नहीं तांत्रिक, तुम मुझे जलाना नहीं। अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। तांत्रिक, चुड़ैल और भूत किसी की बात नहीं सुनते, दोनों को जलाकर राख कर देते हैं और अपने मंत्र से कुएं के पानी को पाक और खालिस करके वो कुआं कस्बे वालों को सुपुर्द करते हैं। कस्बे वाले तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा कर उनका एहसान मानते हैं। इस गंगोत्री से अब कस्बे वालों को नई जिंदगी मिलती है।